तो गाइस यार, जोशी मठ का ये मार्केट है, क्या नाम है भाई इसका? जोशीमठ मार्केट है सर। जोशी मठ मार्केट है। उधर देखो पहाड़ में बर्फ पड़ रही है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। ठीक है, ब्रो हर कोई जैसे रास्ते में कोई जा रहा ना, वो यही बात कर रहा है कि हमने यहाँ से मूव होना है। ठीक है, और मैं आया इसलिए हूँ यहाँ पे कि मैं दिखाऊँ आप लोगों को। तो गाइस यार देखो, यहाँ पे लिखा है पहले NTPC गो बैक। ठीक है, अब जैसे ये भाई जी यहाँ पे मोची का काम करते हैं, ऐसे जूते बनाते हैं यहाँ मेन मार्केट में। वो भाई भी यहाँ बैठे बैग बना रहे हैं, चप्पल बना रहे हैं। तो आप बताओ कि आपको सरकार कोई मुआवजा दे रही है, कुछ भी दे रहा है? अभी तक कुछ नहीं दिया अभी, अभी तक कुछ नहीं मिला ना कुछ दिया। वो कह रहे कि डॉक्यूमेंट साइन करो आपको पैसे मिलेंगे। वो हम लोगों को नहीं मिल रहा, वो उनको मिल रहा है जिनके यहाँ की खुद की जमीन है। अच्छा, वो पक्के मकान है इनके अपने। कितने साल हो गए यहाँ? हमको यहाँ होगा कहाँ 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए, पर सरकार आपको मतलब इसलिए नहीं दे रही कि आप मतलब कि आप यहाँ के घर नहीं, आपके यहाँ आपके परमानेंट नहीं हो जी। मगर ये तो यार भेदभाव हो गया ना सीधा। बस ये भेदभाव है, इसी वजह से तो यार कोई वो नहीं। तो सोचो गाइस यार, ये लोग लिटरली दिन भर यहाँ बैठते हैं, पैसा कमाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत जितना मिलता है इसमें कितना पैसा कमाता होगा यार, है नी? और उसमें सरकार हेल्प नहीं करेगी तो कौन हेल्प करेगा? सो गाइस यार, बड़ी बुरी स्थिति है यहाँ पे तो। और लोगों ने सीधा NTPC को तो यार लोगों ने वो कर दिया बॉयकॉट कि जाओ इधर से। इनकी वजह से तो लैंड, सोयल, एयर सब कुछ बर्बाद हो रहा है, की वजह से ही बर्बाद सब हो कुछ हो रहा है। क्योंकि इन्होंने टिहरी का भी यही काम किया, उत्तरकाशी की साइड जितने भी इसने टाउन नहीं अपने स्मॉल जितने भी है, जैसे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, सब जगह ये लोग लगे पड़े हैं, मतलब खोदने पे पूरे पहाड़ खोद दिए इन लोगों ने। सगाई जाए बहुत ज्यादा मतलब कि यार बुरा हाल है। तो ये लोग लिटरली देखो छत भी नहीं है इनके ऊपर, यहाँ सोचो कि यार बारिश होती है, बर्फ पड़ती होगी तो कैसे ये लोग गुजारा कर रहे हैं अपना। और उसमें सरकार इतना मतलब कि इतना आफत आ रहा है पूरे जोशीमठ में, और ये सरकार इनकी हेल्प करने को राजी नहीं है। पर ये देखो रोड धसी हुई है, देखो ये देखो पूरा अभी जाके सीमेंट लगाया हुआ है थोड़ा बहुत, पूरी रोड धसी हुई है, खतरनाक है गाइस पूरा। सो गाइस भाई मेरे को दिखा रहा है, ये देखो पानी निकल रहा है, ये अंदर से निकल रहा है पहाड़ के अंदर से, क्या कारण हो सकता है भाई इसका? ये सुरंग के अंदर से निकल रहा है भाई, ये सुरंग जो ये लोग बना रहे अंदर, NTPC जो सुरंग बन रही है उसके अंदर से निकल रहा है, तो लोग उसको ब्लेम कर रहे हैं नहीं, उसी ने किया ये सारा काम कहते हैं। रोड देखो, ये देखो टूट गई पूरी, नीचे भी देखो ये पूरा देखो क्रैक पड़ा है रोडों पे, ये देखो पूरा क्रैक, मतलब कि यार डेंजर में पूरी लाइफ यहाँ की। तो घर कहाँ पे? ये अपना घर भी दिखाया कहता है, चलो देखते हैं घर भाई का। सो गाइस यार, भाई अपने गांव ले घर लेके जा रहा है मुझे, ये देख लो पूरे पहाड़ कितने, मतलब हम चाइना के बॉर्डर के बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज, देख लो ऊपर बर्फ पड़ रही है, लिटरली हम नीचे जा रहे हैं, पूरा सब टूट गया ये देखो। अरे भाई लोग अपना सामान मूव कर रहे हैं लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा उसका, कहाँ से कितना सामान कहाँ ले जाएंगे यार बताओ। सरकार पैसा भेज भी रहोगे तो बीच वाले खा ही जा रहे पैसे। चलो भाई देखते भाई का घर, और देख लो इनके बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने घर बनवाए, दीवारों में पूरे क्रैक आ गया देखो, मतलब ये कैसे सोएंगे इस घर में, देखो गुजर बसर करते हैं अपना गांव के लोग हैं। ठीक है, जैसे मर्जी जैसे करते हैं अपना काम, सब पूरा दरड़ यहाँ से भी पूरी आ गया। अंदर दिखा दो, ताला लगा था गांव आगे। अच्छा अंदर है नहीं कोई अभी? अभी कोई नहीं, पापा मार के जा रहे होंगे इसी चक्कर से। चलो कोई नहीं यार, मकान टूटने लग गया भाई, जब कौन आगे पीछे भी देखना है भाई। तो इनके जो अभी फादर साहब हैं वो जा रहे बाहर, लेकिन आप देख सकते हो कि तराड़ यहाँ से पड़ रखी है। ये देखिए भाई, ये नीचे अंदर से तो और तगड़ी दरार है भाई, देख रहे हो? ये देखो खतरनाक तरीके से कैसे सोचो कि यार तुम शहरों में रहते हो इतने अच्छे घरों में, इनका बेस इतना तगड़ा होता है, ये लोग यहाँ पे देख लो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। हेलमेट ले लो ब्रो। नहीं नहीं दे रहे भाई, ये देखो दरार, ये देखो यार, ये देखो भाई। तो भाई का भी यही घर है, देखो देख सकते हो आप, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसा देखो ऊपर से पत्थर रखे हैं, तो ऐसे लोग गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे जोड़ के सोचा था इसके ऊपर लेंटर डालने का, तब तक ये हाल हो गया, अब जाए तो जाए कहाँ भाई जी। पैसा डाल के सोचा था इन लोगों ने कि यार थोड़ा लेंटर डाल देंगे, मेहनत की करके पैसा जमा किए थे कि अब लेंटर डाल देंगे इसके ऊपर, थोड़ा पक्का सा दिखेगा, मगर क्या करे ये पूरा दरार दरार बढ़ गया।
अपना जाए समझ नहीं आ रहा भाई। सरकार ने हेल्प तो की है लेकिन अभी कोई हेल्प का कोई देख लो ना भाई जी। एक होता ना देखो जिस हिसाब से यहाँ पे लिखा है स्वागतम, तो मतलब यार उन्होंने पूरे दिल से घर को बनाया अपने यार, मतलब पूरी मेहनत मजदूरी करके अब पूरा गांव ऐसा हो गया है वीरान सा, क्या कर सकते हैं बताओ। देख लो गाइस ये पूरा पत्थर का है, देख लो पूरा पत्थर का है ये बना हुआ, पूरा पत्थर का बना रहा है। हाँ पूरा पत्थर, अंदर ऊपर से पत्थर है नीचे से सामान है, देख लो पूरा कमरे के बराबर है। हम पत्थर ही में गुजर बसर करे हैं, पत्थर के अंदर बनाए पूरा। 48 साल की उम्र हो गई मेरी जो सीमेंट में, 48 साल की उम्र है मेरी इस समय भैया, दिन गुजारा ऐसे ही में चलता है। ये हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है, पत्थर के अंदर बनाए पूरा घर, मेरा तो सहारा भी नहीं है, नहीं अकेली हूँ मैं कमाने वाली। गवर्नमेंट जो मिलता है वो गवर्नमेंट खा जाती है। हाँ, मैं तो अब देखो सर कितना ये योजना निकलते है, प्रधान अवकाश योजना निकली है, कोई मतलब नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, हम तो खुद अपनी मेहनत से रोटी खाते हैं, बच्चों को पढ़ाई खर्चा है, हमारा खाने का खर्चा है, सब हम इसी से निकालते। यात्रा सीजन में चले गए, थोड़ा सा कभी कुछ बेच लिया कभी कुछ दे दिया, ऐसे ही पहाड़ में ऐसे अपने गुजर बसर कर रहे होते हैं लोग। नमस्ते आंटी, देख रहे हो भाई जी मार पड़ गए पूरा, देखो इसके देखो कैसे कैसा नीचे भी है, ये देखो नीचे दीवार दरार देखो नीचे, रात भर बढ़ने में लगी है, अरे बढ़ने में लगी है, देखी तार पूरी पड़ी हुई है भाई, ये पूरा पड़ा हुआ है वो देख लो नीचे पूरा, ये शिफ्ट कर दिया ना मेरे को, मैंने किराए पे ले लिया ऊपर, अब ले लिया। हाँ, वो ना बता दिया। तो उसको पैसे मिल रहे हैं आपको? तो गाइस ये देखो अभी तो पता नहीं भाई, भगवान ही मालिक है, ही मालिक है। ये देखो दीवार, और ये देखो कैसा पत्थर वाला, ऐसे अभी हमारे गांव में होते हैं घर ऐसे, देखो तो आपको पैसे मिलेंगे इसके? अभी तो कोई भरोसा नहीं है भाई, ये भी बोल रहे हैं। चल जा किधर, बहुत बुरा हाल है भाई, क्या बोल रहा, ऊपर चले जाना, कहां दिया कमरा है, यहां तक पता हुआ है ये देखो गाइस, ये तो ये बता रहे हैं मेरे को, आज रात को 2 बजे इधर आ रहे हैं, 2:02 मार के इधर आज रात के। इधर पीछे भी दिखाती हूँ मैं, इधर आ रहा हूँ, नहीं नहीं ऐसे मत कर, दिखा रहे हैं ना 2:02 पता, ये देखो ये समय तो बहुत ज्यादा होगा, ये देख लो यहाँ से दिखेगा पूरा, ये तो देखो चटक गया पूरा इधर से, पूरा चटका तो ना, लोग बहुत परेशान भाई जी, जो पत्थर बैठ के प्लास्टिक से नहीं फूटते थे वो आज अपनी मर्जी से अपना मर्जी से फूट रहे, यहाँ ऊपर पूरी दरार आ रही है, इसका मतलब कि यार कुछ ना कुछ अंदर से हो रहा है। हाँ। तो भाई बहुत बुरा हाल है गांव में तो, जीवन मतलब वैसे तो कुछ है नहीं, वही कह रहा हूँ ना, जीवन के चक्कर में 4 दिन दुकान पे बैठते थे, उसी से व्यापार करते थे। दुकान कहाँ पे आपकी? विष्णुप्रयाग में फल फ्रूट बेचते हैं 6 महीने। अच्छा, छह महीने वहाँ पे फल फ्रूट बेचते हैं, उसी से घर चलता था, 2 बच्चे, एक लड़का, एक लड़की, लेकर आना है, लड़का भी साल भर हो गया, एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ठीक हुआ, दिल्ली गया वो। अच्छा, वो भी पता नहीं नौकरी कर रहा नहीं कर रहा, कोई फोन तो आता रहता है। अच्छा, लड़की को अभी देहरादून में गई वहाँ पे पढ़ रही लड़की, तो लड़की को अभी डाला, अभी 1 महीने भी नहीं हुआ स्कूल गई, स्कूल पढ़ती हो? हाँ, लड़की तो लड़का वो भाग गया पहले से, 8 पास करा, उसके बाद पढ़ा ही नहीं उसने, क्या आज पंजाब चला गया, कभी कहीं चले, कभी कहीं, उसने बहुत पतंग किया। अच्छा, इसी वजह गांव में नौकरी नहीं तो क्या करेगा यहाँ पे इंसान? हाँ, तो मैं घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए पत्थर तोड़ रखे मैंने, पहले सोचा था 2 कमरा बना लूंगी, किचन बना लूंगी, इस पत्थर को भी हटा दूंगी और तब यहाँ पे कमरा किचन बना लूंगी, ये सोचा था मैंने। देख लो गाइस आप, तो आप लोग तो हमें ये बचा रहे भाई खबर है कि यार देख लो गांव के लोग कितने परेशान होते हैं।